तो दोस्तों ये है आयसर 364 364। इसका सेंटर पिन का जॉब है ये, हम इसका सेंटर पिन खोल के इसको सब लेट काम पे भेजेंगे। लेट पे से आने के बाद उसका पूरा फिटिंग कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें ये सेंटर पिन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम इसे खोल रहे हैं। ट्रैक्टर पूरा वॉबलिंग करता है, तो दोस्तों ये इसका कप है अभी। इसमें ये वाला बुशिंग कट गया है, देख सकते हैं आप। ऐसे अंदर से पूरा देखिए कट चुका है। ग्रीस ना मिलने की वजह से पूरा कट जाता है, अभी भी एकदम सूखा है, इसमें कोई ग्रीस है ही नहीं, देख सकते हैं आप। ये उसका हाउसिंग है सेंटर पिन का, पूरा रबर भी जो उसका सील रहता है वो कट चुका है, ये भी पूरा कट चुका है। देखो इसका सेंटर पिन है, ये सब ये कॉलर नया आ जाएगा दोनों साइड, और इसमें ये बुश नया आ जाएगा। और ये इसका कैंपिंग है, पूरा गाला वेल्डिंग से भरेगा उसको लेट मशीन पे, तो नया कट लगेगा इसमें। तो ये यहाँ पे अंदर की साइड में इसको नया बूस लग जाएगा दोनों साइड, एक ऊपर की साइड ऐसा, सेम नीचे की साइड ऐसा, दोनों साइड रहता है। हेलो दोस्तों, ये सेंटर पिन का काम, सेंटर पिन का हाउसिंग का बूस किस तरीके से होता है देखो। ये बूस ऐसे कट करते हैं जो, और ये हाउसिंग में ऐसा नया बूस डालते हैं, देखो पूरा कट कर। ये हमारे चाचा है, इनका यही काम है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग का बहुत माहिर है इस काम में। ये इसका किंपिंग आगे का भी टाइम टाइम में ट्रैक्टर में से निकाला, उस टाइम पे इसका हालत क्या था, अभी जो सोल्यूशन नया जैसा है ये बिल्कुल फेस करके बन गया गाला बना के। देखो
ये है हमारा काम करने का तरीका दोस्तों, देख सकते हो। ये हमारे किशन भाई है, ये लोगों को ये काम में बहुत माहिर है, ये उनका वर्कशॉप है, तो पूरा मशीनरी है उनके पास में भी देखो, ये बड़ा ड्रिल है उनके पास में, देखो अभी अभी उनके पास में कितना काम रहता है, पूरा सेंटर पिन का ये काम करते हैं। देखो ये अपना पेपर का है, ये वाला देखो हुआ है, गेम हो गया सेम ऐसा, दूसरा भी किसी और मैकेनिकल ने भेजा हुआ इधर में, ये रॉड है। हाँ तो दोस्तों ये आयसर 364 का सेंटर पिन जो हमने लेट पे भेजा था वो भी आ गया है, अब हम इसको फिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस जगह पर ब्रिज लगाना है दोनों साइड, दोनों और ऐसा ब्रिज लगाना है, फिर इसके हाउसिंग में भी ऐसा ब्रिज लगाना है। तरीके से इसको ब्रिज लगा लेना है पूरा, वो। हाँ तो दोस्तों बाद में क्या करना है आपको, इस तरीके से इसको उठा के ऐसे थोड़ा क्रॉस करके डालना है अंदर में, पहले ऐसे क्रॉस कर लेना, जाएगा। अरे दोस्तों अभी ये क्या करना है, ये वाला रिंग बनाना है, ये ऐसे डालना है कट वाली साइड आगे की ओर आएगी, जो प्लेन प्लेन हिस्सा जो है वो पीछे की ओर जाएगा। फिर ये रबर का रिंग डालना है, सेम ऐसी ये चीज पीछे की ओर डालना है, तो प्लेन हिस्सा ऐसे आएगा, ये कटा हुआ हिस्सा पीछे की ओर जाएगा, ये आगे की ओर रहना चाहिए, वापस एक रबर का ऐसा रिंग लगेगा।
कैसे बनेंगे। ये इस तरीके से देखो प्लान हिस्सा पीछे की ओर होना चाहिए, फटा हुआ ये इधर आगे। अभी क्या करना है दोस्तों, उसका हाउसिंग जो हमने कप निकाला वो डालना है। दाओ पीछे वाला ला, कब डालना है। दोस्तों इसमें ये जो छेद वाला हिस्सा है ये यहाँ पे ग्रेस का नेपल लगता है, ये नीचे की ओर होना चाहिए, ऐसे ऐसे लगेगा, ये हिस्सा ऐसे लग जाएगा, ये यहाँ पे लगेगा। इसे थोड़ा सा ग्रीस डाल के ये वाले हिस्से पे ऐसे लगा देते, 17 नंबर का 4 बोल्ट लगा लो। तो दोस्तों अभी ये आगे की ओर लगेगा। देखो देखा आपने, ये बहुत आसानी से लग जाता है। फिर इसके ऐसा 17 नंबर का जो बोल्ट रहता है वो फट लेना, चार बोल्ट लगेगा, एक दो तीन चार, इस तरीके से पीछे पीछे का बोल्ट ऐसे थोड़ा इससे लंबा रहेगा, देखो लंबा बोल्ट पीछे की ओर लगेगा और छोटा आगे। इस तरीके से चार बोल लगा लेना है, फिर इसको कस लेना है, दो होती है आगे लगेगा। हाँ तो दोस्तों अभी ये दोनों ओर से बोल्ट पूरा कस लिया, अभी हमको क्या करना है, ये दो नीचे उसका जैक बोल्ट रहता है और जैक बोल्ट को डालना है, इसको भी ऐसे क्रॉस करके डालना पड़ेगा, सीधे नहीं जाएगा, तो दोनों ओर चूड़ी रहता है, इसके पीछे की ओर लंबी चूड़ी रहता है, आगे की ओर छोटी, लंबी चूड़ी वाला हिस्सा पीछे जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे क्रॉस पकड़ के डालना है इसको। ये लग गया, ये दूसरा ये साइड में आएगा, लग जाएगा।
पीछे की साइड है। ये दोनों गेट बोल के कस लेना है हमको अच्छे तरीके से। तो ये किन किन को किप करना है फ्रंट एक साथ जिसको बोलते हैं, तो क्या करना है सबसे पहले ये रबर गार्डिंग लाना है बड़ा वाला, ये लगेगा यहाँ पर लास्ट में कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग पार्ट में गए वाला हिस्सा ग्रीस लगाना है सब बल्ब को भी छल लगा एक ग्रीस लगा देना है। क्या करना फिर ऐसे में ऐसे ग्रीस डालना है यहाँ पे नया ग्रीस लगा हुआ है पूरा हब हमको भरना है ग्रीस से। दोनों साइड को नीचे तरीके से गिर जाना है दोस्तों। वैसे लंबा पेचकस लेके इसको पूरा ऐसे इसको मतलब फैला देना है इस तरीके से पूरा फैलाना है इसमें क्यों जो ज़्यादा जीज रहते हैं उसको निकाल लें
इससे अगर रबर पैडिंग यहाँ पे ऊपर लगेगी, ये लग जाएगा ये थोड़ा ग्रीस डाल के रबर पैडिंग ऊपर लगेगा, थोड़ा ग्रीस डाल के लगेगा ये इसका बॉटम। लगाने से पहले तो इसको आगे की और ये फ्रंट एक्सल का कवर लगेगा और इसको ऐसे यहाँ पे पॉइंट दिया होगा, ये यहाँ आगे की और लगेगा यहाँ पे इस तरीके से। अभी चीज लगती है अभी इसको चिकनी करना
प्रॉपरली ग्रीस करने के बाद इसका घुमा लेना। तो दोस्तों अभी ये अंदर किया हमने ये मिट्टी वसा डाला वसा बनी तरीके से ये कटोसा वहाँ पर जाएगा वहाँ पर पत्र होता है वहाँ पर जाएगा और ये आगे मतलब जाएगा दोस्तों। ये मेरे को कसना है तो ये 36 नंबर का पाना ऐसे इसका पटवा देना तीन तीन फिर ये ऐसा पटर होता है पटर डालना है इसका हॉल मैच करना है कम से कम देखा प्लस कचरा दोस्तों जैसे ये 20 कप है उसका भी हमने ये 20 करके रखा हुआ इसको पूरा से 20 से भर लेना ये लग जाएगा यहाँ पर
सकते हो दोस्तों, देख सकते हो, देखो ये लगी इसमें बिल्कुल प्ले नहीं होनी चाहिए। ये अभी हम देख सकते हैं रेडी है बिल्कुल, बस यही सेंटर पिन होता है। सेंटर पिन में ये सब काम आता है, दोनों आगे का भी सही से गए, सेम ये जो प्रोसेस इसमें किया सेम वही प्रोसेस वो रील में भी होगा, दोनों सेम है। आपको शायद याद रखना रहता है लेफ्ट राइट, ये दोनों एक्सल में पेन का जो एक्सल है उसमें लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है वो खोलने के दौरान आपको दिमाग में रखना पड़ता है, बस ये रहता है दोस्तों। तो ये सेंटर पिन खोल फिट करने का तरीका है। लेफ्ट साइड का व्हील भी एक्सल लग गया है, अभी इसको आगे का व्हील भी फिटिंग कर देंगे दोस्तों। ये पूरा सेंटर पिन बनाने का इस तरीके से फुल फिट करना पड़ता है। तो देखो अभी ये सेंटर पिन का पूरा काम हो चुका है। हाँ इसको घुमाओ थोड़ा, एकदम हल्का घुमाओ, दोस्तों देखो अभी पूरा दोस्तों। अभी ये टी टाइम है हमारा, अभी टी आ चुका है हमारा, टी टाइम चल रहा है। ये हमारा सब बच्चा लोग टी, तो दोस्तों देखो ये हो गया अभी सेंटर पिन का काम फाइनल। अभी इसमें क्या है दोस्तों, हमने ब्रेक का काम भी करना है, वो तो सेम अभी एक पुराना मॉडल का हमने डाला हुआ है 312 आईसर, सेम वैसा ही इसका ब्रेक का सिस्टम रहता है इसका, इस वजह से इसका वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आप हमें भी हेल्प करें, हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी ट्रैक्टर की जानकारी के लिए काम काज कुछ भी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम हमारा नंबर दे देंगे, उस पर आप हमारा सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।